समीकरण के हल मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे समीकरण के हल से संबंधित मिथ्या धारणाएं, यानी मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अक्सर हम समीकरण हल करते समय किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते समय उसका विपरीत संचालन यानी इनवर्स ऑपरेशन करना भूल जाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते समय विपरीत संचालन यानी इनवर्स ऑपरेशन करना याद रखें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस समीकरण में बाएं पक्ष में 2x जमा 12 है और दाएं पक्ष में 32 है। यहाँ 12 LHS में जमा हो रहा है। इसे हल करने के लिए हम 12 को RHS में स्थानापन्न करेंगे। अक्सर हम यह करते समय 12 को RHS में भी जमा कर देते हैं, जो कि गलत है। सही समझ यह है कि 12 को LHS से RHS में स्थानापन्न करते समय वह RHS में जाकर 32 से घटेगा, जिससे हमें समीकरण मिलेगा 2x बराबर 20। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें LHS में केवल x चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि LHS में 2 x के साथ गुणा हो रहा है। 2 को स्थानापन्न करते समय कई बार हम 2 को RHS में गुणा कर देते हैं, जो कि गलत समझ है। सही समझ यह है कि क्योंकि 2 LHS में x से गुणा हो रहा है, तो यह RHS में 20 को भाग करेगा, जिससे हमें x का मान 10 मिलेगा। आपको क्या लगता है, यह उत्तर सही है या गलत? समीकरण में x का मान रखकर हम यह जांच कर सकते हैं कि हमारा हल सही है या नहीं, यानी हमारा उत्तर सही है। इस वीडियो में हमने देखी समीकरण के हल से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आशा है कि आपकी मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी। धन्यवाद।